दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने YouTube पर अपने चैनल को ओपन करके रखा है और ओल्डेस्ट वीडियो पर मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे चैनल की जो सबसे फर्स्ट वीडियो होगी यानी पुरानी से पुरानी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। और आप लोग यहाँ पर कान खोलकर आंख खोलकर देख लीजिए कि मेरा जो फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो पर 54 की व्यूज है यानी कि 54,000 व्यूज है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग गिनते जाइए कि एक वीडियो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही और इसके बाद पांचवी ये, छठवी ये, सातवीं ये एंड यहाँ पर नीचे और सिंपली आठवीं और नौवीं और दसवीं वीडियो। यहां पर आप लोगों के आंखों के सामने जो मेरे चैनल की दसवीं वीडियो थी वो मेरे चैनल की सबसे वायरल एंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो आज भी है। और जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो 10 दिन तक जब मैंने रेगुलर वीडियो अपलोड की, 10 से 15 दिन में जब मैंने दसवीं वीडियो अपलोड की तो वो वीडियो मेरी वायरल होना स्टार्ट हो गई। यानी उस वीडियो पर मेरा व्यूज अच्छा खासा आने लगा। एक दो वीक में उस वीडियो पर 3-4 हज़ार व्यूज गया, फिर 50,000 गया, फिर लाख गया, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, 5 लाख, फिर 7 लाख और आज के डेट पर 8.5 लाख इस पर व्यूज कंप्लीट होने वाला है। तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जाए और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उस चैनल की वीडियो वायरल हो जाए, वो चैनल यूट्यूब बूस्ट कर दे, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिकॉज आप लोगों के सामने इसी तरीके से बहुत सारे यूट्यूब चैनल कोई 20 वीडियो पर, कोई 30 वीडियो पर, कोई 40 वीडियो पर, कोई 50 वीडियो पर बूस्ट हो जाता है। बट आप लोग सोचते हैं कि मेरा चैनल कब बूस्ट होगा, इतने वीडियो पर बूस्ट होगा, मैंने इतनी वीडियो डाल दी, 50 वीडियो डाल दी, 100 वीडियो डाल दी, इतने अच्छे अच्छे थंबनेल, वीडियो एडिटिंग सारा कुछ कर दिया पर पता नहीं यूट्यूब मेरे चैनल को कैसे बूस्ट करेगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना बिकॉज आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरा न्यू चैनल था और न्यू चैनल को 10वीं वीडियो से वायरल कर लेना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से मैंने अपने चैनल को बूस्ट कराया। वो तरीका, वो चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लेते हो, आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आप जिस चैनल पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल आखिरकार यूट्यूब कब बूस्ट करेगा। ऐसे तो आप काम करते रहोगे, आपको यही नहीं पता कि हमारा चैनल कब बूस्ट होगा, कब हम उस चैनल से पैसे कमाएंगे, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक, आपको कौन सी गलती नहीं करना है, किस तरीके से काम करना है जिससे आपका भी चैनल जल्द से जल्द यूट्यूब बूस्ट कर दे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर जरूर सेलेक्ट कर लेना। चलिए आज के को शुरू कर दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे चैनल की जो 10वीं वीडियो थी वो वायरल हो गई थी, यानी 10 से 15 दिन के बाद ही मेरा चैनल बूस्ट होने लगा था, यानी यूट्यूब ने बूस्ट कर दिया था। अब उसको कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं वॉइट स्टूडियो पर चल के कुछ मैं आपको चीजें दिखाता हूँ जिससे आपके माइंड में वो सही से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने वॉइट स्टूडियो में अपने व्लॉग वाला चैनल को ओपन कर लिया जिसमें मैं बहुत दिन से व्लॉग नहीं अपलोड कर रहा हूँ। ये है मेरा व्लॉग वाला चैनल और इसके एनालिटिक्स पर मैं क्लिक करता हूँ और अब आप ध्यान से गौर से वीडियो को देखना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये तो व्यूज वगैरह आपका लास्ट 28 दिन का दिखता है, ठीक है। इसको स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पर वॉच टाइम वगैरह, सब्सक्राइबर वगैरह, कंटेंट पर आते हैं, ठीक है। ये जो कंटेंट वाला ऑप्शन है इस पर सिंपली मैंने क्लिक किया। कंटेंट पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको व्यूज दिखेगा, अब यहाँ पर आपका दिखेगा इंप्रेशन, ठीक है। ध्यान से गौर से वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आप लोग सही चीजें नहीं देखते। यही अगर मैं आपको कोई ट्रिक बताऊं कि ट्रिक लगा के आप वीडियो को वायरल कर लो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग जो बताते तो आप लोग उस प्रकार के कॉन्टेंट को वीडियो को देखते हो बिकॉज उससे आपका प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूज वॉच टाइम बढ़ाने का ट्रिक नहीं होता, आप सभी को पता भी है, फिर भी आप लोगों का मजबूरी का फायदा उठाकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग बताते हैं और अपने चैनल से पैसे कमाने के लिए आप लोग वो काम करते हो, बल्कि आपको पता है कि कुछ नहीं होता फिर भी करते हो। तो मेरे भाई ऐसा करना छोड़ दो, सही चीजें सही तरीके को समझना पड़ेगा तभी यूट्यूब आपके चैनल को जल्द से जल्द बूस्ट करेगा। मेरा 10वीं 12वीं वीडियो से बूस्ट हो गया, क्या मैंने कोई ट्रिक लगाया, किसी यूट्यूबर से प्रमोशन कराया, किसी का कोई सपोर्ट मांगा, कुछ नहीं। सही तरीके को समझकर अपने चैनल को बूस्ट कराया, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा बिकॉज वो तरीका समझ लिया तो आपका बल्ले बल्ले होने वाला। तो अब यहाँ पर वीडियो की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट 28 दिन का आपको इंप्रेशन दिखेगा, यूट्यूब आपके चैनल की जो वीडियो है उनको लोगों तक कितना पहुंचा रहा है, कितने बार भेज रहा है, ये इंप्रेशन का मतलब होता है। जैसे यहाँ पर यूट्यूब ने मेरे वीडियोज को 38,000 प्लस लोगों के पास भेजा लास्ट 28 दिन में, ठीक है। लास्ट 28 दिन में मेरे चैनल की जो ये व्लॉग वाले चैनल की जो वीडियो है उनको 38,000 बार से ज्यादा लोगों के पास भेजा, ठीक है। अब यहाँ पर ये लास्ट 28 दिन का था, लेकिन वहां पर लोग क्लिक कितना कर रहे हैं, रिस्पांस कितना दे रहे हैं, यानी जो मेरी वीडियो जा रही है लोगों के पास, तो उस वीडियो पर लोग क्लिक कितना कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इधर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट और इसी को बोलते हैं CTR, यानी लोग आपकी वीडियो पर क्लिक कितना कर रहे हैं। यूट्यूब ने आपकी वीडियो भेजा 38,000 बार, ठीक है, 28 दिन में, लेकिन वहां पर लोगों ने क्लिक कितना किया, 3.6%, यानी तकरीबन 3%
परसेंट 4% लोगों ने उस वीडियो पर क्लिक किया। 100 लोगों के पास YouTube ने आपकी वीडियो को भेजी तो वहां पर केवल 40 लोग उस वीडियो पर क्लिक किए। तो अब यहां पर आपको इस चीज को समझना है और समझकर अपने चैनल पर उस काम को, उस चीज को फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब आपके वीडियो का इम्प्रेशन, आपकी वीडियो को बूस्ट तभी करता है जब ऑडियंस का आपके वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिलता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके अलावा कोई अगर आपको ट्रिक लगता है तो ट्रिक लगा के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते यूट्यूब पर, ठीक है। अब यहाँ पर CTR में होता है कि आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो पर कितना परसेंट क्लिक कर रही है। तो अगर यहाँ पर देखिए CTR आपके चैनल का 7 से 8% तो होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर 7 से 8% 9% आपके चैनल का CTR होता है तो वो बेस्ट CTR आपके चैनल का रहेगा। तब यूट्यूब आपके चैनल को जरूर बूस्ट करेगा, जरूर बूस्ट करेगा। लेकिन ये CTR आप लोगों का इतना परसेंट होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 3.6% है। तो इसमें क्या है, यूट्यूब तो वीडियो को लोगों के पास भेज रहा है लेकिन लोग उस वीडियो पर नहीं क्लिक कर रहे हैं, जिसके कारण से फिर यूट्यूब आपकी वीडियो को और लोगों के पास नहीं भेजता है। एक बार भेजा लोगों ने नहीं क्लिक किया, दो बार भेजा लोगों ने नहीं क्लिक किया, फिर वो भेजना ही बंद कर देता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ कि आपके वीडियो पर CTR अच्छा खासा होना चाहिए तो यूट्यूब बूस्ट करेगा। अभी वीडियो को स्किप मत करिए, आगे मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि शायद आपको ना पता हो और वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली CTR के बारे में समझ लिया कि लोग कितना परसेंट आपकी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं। जितना ज्यादा परसेंट लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे उतना ज्यादा यूट्यूब आपके चैनल की वीडियोस को इंप्रेशन भेजेगा, मींस आपकी वीडियो को बूस्ट करेगा। तो ये हो गया CTR का काम। अब इसके बाद आपकी वीडियो पर लोग क्लिक भी कर रहे हैं, आपकी वीडियो यूट्यूब लोगों के पास भेज रहा है, लोग उस पर क्लिक भी कर रहे हैं, फिर भी आपका चैनल आज तक बूस्ट नहीं हुआ है, यूट्यूब आपकी वीडियो को बूस्ट नहीं किया है। उसके पीछे का रीजन समझिए, ये है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। इसका मतलब लोग आपकी वीडियो पर कितनी देर तक रुक रहे हैं। आपका वीडियो है 10 मिनट का, उस वीडियो पर लोग 1 मिनट भी नहीं रुक रहे हैं तो क्या फायदा उस वीडियो का। तो फिर यूट्यूब उस तरीके की वीडियोज को बूस्ट नहीं करता है, मतलब कि उनका इंप्रेशन भेजना बंद कर देता है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब यही होता है कि लोग आपकी वीडियो पर मिनिमम कितना देर तक रुक रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट 39 सेकंड। अब अगर आपके चैनल की नॉर्मली वीडियो 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट की रहती है तो उस हिसाब से ये एवरेज व्यू ड्यूरेशन खराब है। इतना कम एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपके चैनल की पर वीडियो 5 मिनट 4 मिनट की होती है तो उसमें तो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट का चल जाएगा, ठीक है, 1.5 से 2 मिनट का। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी वीडियो को यूट्यूब तभी इंप्रेशन भेजता है, आपके चैनल का तभी इंप्रेशन भेजता है जब आपके चैनल का CTR और एवरेज व्यू ड्यूरेशन ठीक ठाक रहता है, यानी मेंटेन आप रख पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर मैटर करता है। अब आपको मेंटेन कैसे रखना है वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से थंबनेल बना रहे हैं जिससे ऑडियंस क्लिक कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद अगर आपने थंबनेल अच्छा बना लिया, आप वीडियो में किस प्रकार बोल रहे हैं, किस प्रकार लोगों को समझा रहे हैं, कोई बकवास तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण लोग आपकी वीडियो को स्किप कर देते हैं, यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपको अपने चैनल पर इस चीज पर फोकस करना है कि आपके चैनल का जो CTR है, क्लिक थ्रू रेट, वो मेंटेन होना चाहिए, वो ठीक ठाक होना चाहिए। अगर वो नहीं ठीक ठाक है तो फिर यूट्यूब आपके चैनल को नहीं बूस्ट करेगा। और वो ठीक कैसे करना वो आप ही करोगे, आपको ही करना पड़ेगा। कोई बड़ा यूट्यूबर जो आपको ट्रिक बताता है वो आपका CTR नहीं सही कर देगा, वो आपका थंबनेल नहीं बना देगा। आपको खुद सीखकर अपने चैनल के लिए थंबनेल बनाना पड़ेगा। एवरेज व्यू ड्यूरेशन किस प्रकार से लोगों को रोकना है अपनी वीडियो पर, किस प्रकार से 3 से 4 मिनट लोगों को अपनी वीडियो पर रोकना है, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा कि मैं ऐसी कौन सी बातें बोलूं जिससे लोग मेरी वीडियो पर रुके रहे। जिस प्रकार से अभी इस वीडियो को आप यहां तक देख रहे हो, इसी प्रकार आपको अपनी वीडियो पर लोगों को रोक कर रखना है। लोग तभी रुकेंगे जब आप वैल्यूएबल चीजें बताओगे, सही चीजें बताओगे। तो ये दो चीज हो गया CTR एवरेज व्यू ड्यूरेशन। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इससे कुछ नहीं होता है, CTR एवरेज व्यू ड्यूरेशन से कुछ नहीं होता है, जब वीडियो वायरल होना होता है तो हो जाता है, हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमारे यूट्यूब पर कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको अभी प्रूफ भी दूंगा कि जो मेरी वीडियो वायरल हुई है उन पर CTR वगैरह कैसा था जिसके कारण से आज की डेट पर वो वीडियो वायरल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो पर 8,29,000 व्यूज इस टाइम पे आ चुका है। रीच वाले सेक्शन पे चलते हैं तो इस वीडियो का इंप्रेशन दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले चैनल का इंप्रेशन दिखाया, इस वीडियो का इंप्रेशन 8.8 मिलियन है, यानी
8.8 मिलियन बार लोगों के पास इस वीडियो को भेजा गया। अब इस वीडियो को यूट्यूब ने क्यों बूस्ट किया, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो का जो CTR है, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, वो इस टाइम पर भी 8% है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपकी वीडियो का चैनल का 7 से 8%, 9%, 10% CTR रहता है तो यूट्यूब आपकी वीडियो को जरूर बूस्ट करेगा। अब इस वीडियो को अपलोड किए हुए कितना दिन हो गया, 259 दिन। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं 259 दिन, मतलब 6 से 7 मंथ, 8 मंथ हो गए तकरीबन, ठीक है। आज भी इस वीडियो का CTR 8% है, तो क्यों ना YouTube इस वीडियो को बूस्ट करे, क्योंकि इस वीडियो को जब YouTube 5 लोगों के पास भेजा, 5 लोगों में से 4 लोगों ने उस वीडियो पर क्लिक किया, तो सिंपल सी बात है YouTube अगली बार 10 लोगों के पास भेजेगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि YouTube किस प्रकार से आपकी वीडियो को बूस्ट करता है। जब आपकी वीडियो पर लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, तो YouTube की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना, YouTube आपकी वीडियो को बूस्ट करेगा। और इस वीडियो पर इतना व्यूज, इतना वीडियो वायरल इसी वजह से हुआ है कि आज की डेट पर भी लोग इस पर क्लिक करते हैं और अच्छा खासा क्लिक करते हैं, जबकि 7 से 8 मंथ हो गया इस वीडियो को अपलोड किए हुए। तो अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आपको अपनी वीडियो को, अपने चैनल को यूट्यूब से बूस्ट कराने के लिए अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, जो आप मिस्टेक कर रहे हैं अपने चैनल पर, अपनी वीडियो पर, और जो आप टाइम गंवा रहे हैं तमाम ट्रिक को फॉलो करने के लिए, ट्रिक ढूंढने के लिए कि इस ट्रिक को फॉलो करके अपनी वीडियो को वायरल कर लें, वही टाइम अगर आप मेरे भाई सही चीज पर लगा लेते हो, थंबनेल बनाना सही सीख लेते हो, वीडियो एडिटिंग करना सही सीख लेते हो, वीडियो बनाना सही सीख लेते हो, तो अगर आप ये सारी चीज सही से परफेक्ट हो जाते हो तो YouTube जरूर आपकी वीडियो को, आपके चैनल को बूस्ट करेगा। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी समझ में आया हो कि हम किस तरीके से काम करके वीडियो को बूस्ट कर सकते हैं और क्या रीजन है जिस कारण से YouTube आपके चैनल को बूस्ट नहीं किया है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अपने छोटे से भाई के लिए। तो अगर यह वीडियो आप सबको थोड़ा बहुत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।